पाकिस्तान का मतलब क्या? ये वीडियोस आ रही है पाकिस्तान से, जहाँ पे गृह युद्ध के हालात बनते जा रहे हैं। असल में हुआ यह है कि इमरान खान के ऊपर जब हमला हुआ था, तब उनके हमले के बाद ये इमरान खान के सपोर्टर्स सड़कों पे उतर आए और अब मौजूदा सरकार यानी शहबाज शरीफ की सरकार के खिलाफ विद्रोह प्रदर्शन कर रहे हैं और सेना के सामने भी विद्रोह प्रदर्शन कर रहे हैं। हालात ऐसी है कि पाकिस्तान के अंदर सेना और जनता आमने सामने सड़कों पर खड़ी है, टैंक सरेआम सड़कों पर दौड़ाए जा रहे हैं और जनता को डराया जा रहा है। पाकिस्तान के पॉलिटिक्स की बात की जाए तो अब इमरान खान तीन लोगों का नाम ले रहे हैं, कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ जो कि प्रधानमंत्री हैं, फिर इंटीरियर मिनिस्टर राणा सनोल्ला और आर्मी के मेजर जनरल फैजल, इन्होंने रणनीति तैयार की है मुझ पर हमला करने की। वहीं दूसरी ओर शहबाज शरीफ का कहना है कि अगर हम दोषी पाए जाते हैं तो मैं एक वक्त के लिए भी प्रधानमंत्री नहीं रहूँगा। और ये सब तो कहने की बात है जो कि आप और हम सब जानते हैं। बात की जाए जियो पॉलिटिक्स की तो अब एशिया कप जो है 2023 का पाकिस्तान होस्ट करने वाला है, जिसका अब पाकिस्तान को मौका नहीं मिलेगा। जय शाह ने ऐसा कहा था थोड़े दिनों पहले कि पाकिस्तान के अंदर हम एशिया कप खेलने नहीं जाएंगे और उसकी जो लोकेशन है हम रीलोकेट करेंगे, उसको कहीं शिफ्ट करेंगे। इसी के साथ ही इंग्लैंड के एक प्लेयर मार्क वुड्स का भी बयान आया है कि इमरान खान के ऊपर जो अटैक हुआ है उससे हम काफ़ी चिंतित हैं और हमें डर लग रहा है और ये शायद हमारे टूर को भी अफेक्ट कर सकता है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बताइए। इस रील को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। जय हिंद, जय भारत।